आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। नवी मुंबई महाराष्ट्र से अजेंद्र अग्री चीफ रिपोर्टर के साथ। नवी मुंबई अंतर्गत नेहरू स्टेशन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल नवी मुंबई के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में जागो हिंदू जागो का नारा लगाते हुए तीव्र आंदोलन किए। आंदोलन और तीव्र नारे लगाते समय उन्होंने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की बांग्लादेश में होने वाले अन्याय और अत्याचार फौरन बंद हो व बांग्लादेश के सेना प्रमुख से सीधी बात करके हिंदुओं को संरक्षित करें और बांग्लादेश के हिंदुओं का विषय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मांग की नवी मुंबई में अनलीगल तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कॉम्बिंग ऑपरेशन करके नवी मुंबई कमिश्नर को आदेश दे। कॉम्बिंग ऑपरेशन के माध्यम से सभी रोहिंग्ये और बांग्लादेशी को नवी मुंबई से निकाल दे, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भागो आंदोलन शुरू करेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री उद्धव राव खराडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोकण प्रांत महामंत्री श्री रवि जी बहनवाल, राष्ट्रीय बजरंग दल कोकण प्रांत महामंत्री श्री मोनू सिंह, हिंदू हेल्पलाइन कोकण प्रांत मंत्री आयोजक श्री महावीर जैन, नवी मुंबई जिला मंत्री उपस्थित रहे। अगले एक महीने के अंदर अंदर यही स्टेशन से हिंदुओं का संगठन हनुमान चालीसा के माध्यम से हम चालू करेंगे। हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में तुम सुरक्षित हो तो हमारे भी हिंदू तुम्हारे बांग्लादेश में सुरक्षित होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये कहना चाहूंगी। हमारे देश में जो बांग्लादेशी लुंगी और पान कचरते हुए घूम रहे हैं, इस देश से उन्हें भी अब पार्सल करने का समय आ रहा है। जय श्री राम। ये भी जो लुंगी पहन के अपने ही देश में हमारे यहाँ कमा रहे हैं, हमारे हिंदू बहनों पर वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, इस देश से उन बांग्लादेशियों को भी पार्सल करने का समय आ गया है। और हमको संगठित करने के लिए हमें जगाना पड़ रहा है हिंदुओं को, ये हमके बहुत शर्म की बात है। हमें खुद अपने आप जाग कर हमें अपना विरोध प्रदर्शन या विरोध दर्ज कराना चाहिए और इन बांग्लादेशियों को इस देश से भी भगाना चाहिए। रहेगा अगर ये लोग हमारे हिंदुस्तान वालों को मारेंगे तो हम लोग भी इन लोगों को काट के खेदेंगे, नाला में डाल देंगे काट काट के, अगर उधर मारेंगे तो हम लोग इधर मारेंगे। जय श्री राम। जो आंदोलन कर रहे हैं आप और आपके चेहरे पर सभी के चेहरे के ऊपर आक्रोश लगा हुआ है, और सरकार से आपकी मांगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष माननीय प्रवीण भाई तोकड़े के आदेश से पूरे देश भर में हर गली मोहल्ले में ये आक्रोश आंदोलन चालू है। विषय ऐसा है कि बांग्लादेश में जो यादवी मची हुई है, उनके इंटरनल जो मैटर है उसका बहुत बड़ा फटका वहाँ के मेरे भाई बहन हिंदू समाज को बैठ रहा है। जिहादी मानसिकता वाले लोग मेरी माँ बहनों के ऊपर वहाँ हिंदुओं के ऊपर रेप कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसका विरोध और उसका आक्रोश मतलब माननीय पंतप्रधान मोदी जी की तक जाए, इसलिए आक्रोश का सभा था। इस मन से राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से मैं हिंदूवादी नेता हमारे लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय देवेंद्र मोदी जी को हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख को डायरेक्ट बात करके सीधी फौरन वहां का जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मेरी माँ बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने का आदेश पारित करे। वैश्विक जो पॉलिसी है उसे हम छोटे मोटे लोगों को हिंदुओं हुआ अभी अभी न्यूज दिखा रहा था और वहां से दिल्ली ऑफिस से फोन आया कि वहां से अभी कम हो गया, पूरे भारत के आंदोलन बंद करो।
बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन माननीय लोकप्रिय पंतप्रधान मोदी जी, वहां हिंदुओं का अत्याचार बंद होना चाहिए। इन मानव अधिकार वाले को मैं कहना चाहूंगा, सेक्युलरवाद का कीड़ा अगर तुम में ज्यादा है तो अपने मिडल हमारे यहां भी लौटा दो।